हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं। अब मैं इनका आपको नाप बता देती हूँ। तो ये मेरे 8 पीस हैं जो 3.5-3 इंच के हैं। ये भी मेरे 8 पीस हैं जो 3.5-3 इंच के हैं। ये मेरे 17 पीस हैं जो 2.5-2.5 इंच के हैं। और ये मैंने 4 पट्टियाँ काटी हैं जो 8 इंच की लंबाई है, 2.5 इंच की चौड़ाई है। तो मैं आप क्या करती हूँ फ्रेंड्स, मैंने आपको नाप बता दिया है। तो आप सिर्फ इन पीसों को लेंगे और इनको आपस में जॉइंट करेंगे इस तरीके से, और फिर स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए फिर मेरी लाइन लग गई है। अब क्या करेंगे, साइड साइड में सिलेंगे, बीच की लाइन को छोड़ देंगे। बीच की लाइन से हमें कट करना है फ्रेंड। तो हम ये सारे पीस आपस में ऐसे ही जॉइंट कर लेते हैं, सारे पीस हम इसी तरीके से सिल लेते हैं। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस सिल गए हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम बीच में से इसको कट करेंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारे डबल शेड के पीस हो जाएंगे ऐसे। तो देखिए ये हो गए। अब हमें इसे क्या करना है, हम इन सबको कट कर लेंगे इसी तरीके से, और फिर इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके, चाहे आप हाथ से ऐसे करके प्रेस कर लीजिए ना, तो नहीं तो फिर आप इस पर डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं। तो आप इस पर प्रेस कर लीजिए या फिर इस तरीके से कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको 2.5-2.5 इंच का नाप लेंगे। जैसे ही हमारा 2.5 इंच का पीस हमने कट करके रखा हुआ है फ्रेंड्स, तो हम इसी तरीके से यहाँ इस नोक से नोक को मिलाएंगे। और जो भी हमारा ये जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा हुआ है, इसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे ही हम ये सारे पीस सेम ऐसे कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद डिज़ाइन सेट करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना डिज़ाइन लगा लिया है। और फ्रेंड्स, 4 पीस आपको 2.5-2.5 इंच के 4 पीस आपको ये वाले लेने हैं। तो मुझसे मिस्टेक हो गई है, जो मैं आपको ये नाप नहीं बता पाई, तो ये ऐसे लगेगा। तो 4 पीस हमने ले लिए, वो हमने डिज़ाइन के साथ ऐसे सेट कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमें अपना डिज़ाइन बारी बारी सिलना है। तो हम पहले ये सिल लेते हैं फ्रेंड। कैसे करेंगे फ्रेंड, पहले इस पीस को यहाँ रखेंगे, सिलाई लगाएंगे, पलट देंगे। इस पीस को भी ऐसे करेंगे फ्रेंड, सिलाई लगाएंगे, पलट देंगे। तो हम ऐसे बारी बारी पहले ये पीस सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस ये ऐसे कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको रखेंगे, जोड़ से जोड़ को मिलाएंगे। यहाँ हम पिन अप कर लेंगे, और सेम ये फ्रेंड्स, ये भी ऐसे पलटेंगे और यहाँ पिन अप कर देंगे। पिन अप करने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ सीधी सिलाई लगाएंगे और ये पीस जोड़ देंगे। यहाँ भी ऐसी सिलाई लगाएंगे और जोड़ देंगे। तो हमारा पीस फ्रेंड्स इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बाकी के सारे पीस कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पीस अपने सेट कर लिए हैं और सिल गए हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पीस का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि हमारा ये डिजाइन, हमें बीच में ये लेना है फ्रेंड्स, और ये हमें ये ऐसी पट्टी लगानी है। तो देखिए ये हमारा ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसको यहाँ से सिलेंगे, पलटेंगे, इसको भी यहाँ से सिलेंगे और पलटेंगे। तो हम ये पट्टी ऐसे जोड़ लेते हैं, और फिर इसके बाद ये वाली पट्टी हम ऐसे जोड़ेंगे। पहले इसको यहाँ रखेंगे, सिलेंगे, पलट देंगे, फिर इसको इस पर सिलेंगे और पलट देंगे। तो सेम हमें ये सिलना है, सेम हमें ये सिलना है। तो मैं आपको पट्टी जोड़ के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी हमारी जुड़ गई है। जो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा था, वो हमने ऊपर की तरफ निकाल दिया है। ऐसे ही हमने किया है कि जो एक्स्ट्रा था हमने इधर निकाल दिया है। अब हमारी ये पट्टी भी तैयार है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें इस पट्टी को इस पर रखना है, यहाँ जॉइंट से जॉइंट को मिलाना है, बिल्कुल कोने से कोने, और फिर हम यहाँ से ऐसे सिलेंगे। सेम हमें ये करना है फ्रेंड्स, कि हमें इसको भी यहाँ ऐसे ही पलटेंगे, बिल्कुल कोने से कोने मिला लेंगे और फिर ऐसे सिल देंगे। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इन डिज़ाइन का यूज कीजिए, आप पिलो कवर बनाइए, बेड शीट बनाइए, या पर्दे बनाइए, या टीवी कवर, फ्रिज कवर, मेज कवर, कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये डिज़ाइन का एक आइडिया है जो आपको मैंने सिखाया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से ये डिज़ाइन किसी भी चीज़ पे यूज कीजिए। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा, कितना सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है। तो आप भी ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।